हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मार्केट स्टाइल मोमोज बिल्कुल सॉफ्ट घर पर ही बना करके तैयार करेंगे, और साथ में इसके साथ जो रेड चटनी मिलती है ना तीखी वाली, वो भी हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और हेल्दी होंगे। घर पर ही बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे और हेल्दी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परात लेंगे और उसमें 2 कप मैदा डालेंगे। हमने मेजरिंग करके 2 कप मैदा लिया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला है और इसका सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, थोड़ा इसका हार्ड डो लगाना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा कर ही डालें, वरना डो पतला हो सकता है। देखिए हमारा डो बन करके बिल्कुल तैयार है। इसे हाथों से एकदम अच्छी तरह पटक पटक के मल लीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के चारों तरफ लगा के इसको रख दीजिए। इसे ढककर रख दीजिए 15-20 मिनट के लिए, इसे रेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई अनियन डालेंगे, प्याज डाल के इसे ब्राउन करेंगे। इसे हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, हमें ज्यादा लाल नहीं करने हैं प्याज, इसकी फीलिंग थोड़ी क्रंची रहती है। प्याज हमारे हो गए हैं। अब इसमें हम 1 कप पत्ता गोभी डालेंगे और इसे हल्का हल्का सोटे करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे करिए। हमें इन्हें ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का इनका कच्चापन दूर करना है, और इसे सोटे करते रहिए। अब हम इसमें सोया ग्रेन्यूल्स डालेंगे। 1 कप हमने सोया ग्रेन्यूल्स लिया है और इसको हमने पहले पानी में सोक करके के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, और अब हम इसे भी इसमें डाल के अच्छी तरह 1-2 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे। बिल्कुल फ्लेम अपनी लो रखिए, ज्यादा हीट पर मत पकाइए, वरना सब ये सब ज्यादा ओवर कुक हो जाएंगी। अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, नमक ज्यादा नहीं डाले, हमने 2 मर्च में भी नमक डाला है। देखिए काली मिर्च डालेंगे इसमें 1 चम्मच। अब इसे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला है हमने, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह चलाते रहिए, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लो। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी सारी वेजेस। अब इसमें 1/2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1/2 ही चम्मच हमने इसमें विनेगर डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी वेजी सब बिल्कुल ही तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं ये। अब हम मोमो की चटनी बनाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले एक पैन में टमाटर डाले हैं काट के, इसमें लाल मिर्च डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च है साबुत। इसमें 1 डंठल धनिया का डाला है, थोड़े से लहसुन डाले हैं 8-10 कलियां इसमें। अब इसे थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के अच्छी तरह बॉईल होने देंगे, कम से कम 15-20 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बॉईल कीजिए। देखिए हमारा वो चटनी से वो फीलिंग बॉईल हो रही है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, ध्यान रहे कि ये ठंडा कर ही ग्राइंड करना है। इसको पहले अच्छे से ठंडा कीजिए और फिर ग्राइंड कर लीजिए। देखिए हमने चटनी अपनी बना ली है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। एक पैन में हमने ऑयल लिया है। अब सबसे पहले इसमें हमने लहसुन चॉपर में चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक, इसमें थोड़े लहसुन ज्यादा ही पड़ते हैं फ्रेंड्स। अब इनको हल्का सॉटे करेंगे, इनका कच्चापन दूर होने तक इन्हें पकाएंगे। इन्हें लगातार चलाते रहिए, वरना ये पैन पे चिपकने लगते हैं,
अब जो हमने अपनी चटनी मोमो चटनी जो हमने ग्राइंड की थी वो इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। लगातार इसे चलाते रहिए। इसमें हमने थोड़ा सा रेड कलर डाला है, रेड स्वीट कलर। इससे कलर बहुत बिल्कुल बाजार जैसा आता है। हमारी मोमो चटनी में बहुत अच्छी बन करके तैयार हुई थी चटनी, बहुत अच्छा सा रेड कलर आया था इसमें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए। और थोड़े सा ब्लैक पेपर डालिए, काली मिर्च का पाउडर डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकने दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट इसे चलाते रहिए और भूनते रहिए। देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है। अब हम अपने डो लेंगे, छोटी छोटी लोई बना के रख लेंगे और एक हमने बेल करके तैयार की है अपनी लोई, उसमें फिलिंग डालेंगे। और देखिए इसमें एक एक प्लेट लगा के ऐसे मोड़ते जाएंगे, एक के ऊपर एक प्लेट लगा के बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे प्लेट बनाते जाइए और मोड़ते जाइए और फिर साइडों से सील कर दीजिए। देखिए बिल्कुल बाजार जैसे मोमो बनकर के तैयार होंगे और बहुत ही आसान है ये, पहली बार में ही बहुत अच्छे बनकर के तैयार होंगे आपसे। ऐसे ही हम सारे मोमोज बना लेंगे। और अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें पानी डाल के बॉयल कर दिया है और एक स्ट्रेनर लेकर इसमें ऑयल लगा के चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे स्ट्रेनर को कढ़ाई पर रख देंगे और मोमोज एक एक मोमोज करके सारे उसमें मतलब जितने उसमें आए एक बार में उसमें रख दीजिए। देखिए हमने स्ट्रेनर पे मोमोज रख दिए हैं और इसे ढक करके 15-20 मिनट तक पकाना है। इसे 15-20 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे मोमोज बन करके बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक एक करके निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए थे, बिल्कुल बाजार जैसे। इस रेसिपी को आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पहली बार में ही आप घर पर बिल्कुल बाजार जैसे मोमो बना के तैयार कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। एक एक करके हम सारे मोमो निकाल लेके बिल्कुल आराम से, हमने ऑयल लगाया था स्ट्रेनर पे इसलिए बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे, अपनी स्ट्रेनर पे चिपकेंगे नहीं है, ऑयल लगाना बहुत ही जरूरी है। देखिए हमने सारे मोमो निकाल लिए हैं। इसी तरह हम बाकी बचे मोमोज और स्टीम कर लेंगे इसमें। देखिए हमारे मोमोज बन करके तैयार हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुए थे ये। अब हम इसे सर्व करेंगे अपनी मोमो चटनी के साथ। आप इस मेथड से मोमोज एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और घर पे बनाएंगे तो ये हेल्दी होंगे बहुत ही, बिल्कुल बाजार जैसे बन करके तैयार हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बन के तैयार हुए थे। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज कमेंट करके बताइए आप कहां कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।